खबर कोटा जिले से है, जहां भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने गुरुवार को भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। जयपुर में अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस का दामन थामा। बता दें कि प्रहलाद गुंजल ने कोटा लोकसभा से कांग्रेस द्वारा टिकट दिए जाने की शर्त पर कांग्रेस ज्वाइन की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद गुंजल ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 साल बहुत परेशानी देखी है, इसी कारण भाजपा छोड़कर कांग्रेस आए हैं। मैंने बताया ना, 5 साल से मैं जिल्लत महसूस कर रहा था और 5 साल इस कोटा की सड़कों पर बीजेपी बनकर सत्ता का विरोध अगर झंडा उठाकर किसी ने किया तो प्रहलाद गुंजल के साथ खड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। तत्समय भी हमें संगठन में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, मंडल अध्यक्ष हमारे खिलाफ, वार्डों के टिकट हमारे खिलाफ। अब राज आ गया, राज हमारे कार्यकर्ताओं की हमारी मेहनत पर आ गया है। जो दिल्ली में 5 साल सत्ता का आनंद भुगत रहे थे उनके बूते राज नहीं आया। सड़क पर मुर्दाबाद का एक नारा उन्होंने नहीं लगाया, जाने कितने मुकदमे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हमने भुगते हैं। उस कीमत पर, उस पसीने के बल पर आए हुए राज को दूसरे लोग भुगतने लग गए। बहुत अलग थलग करे भुगतो भैया, पर किसी को अलग थलग तो मत करो। हमारा भी इस पार्टी में शेयर आपके बराबर है, ज्यादा ही होगा कम नहीं है, और कितना शेयर ये पता चल जाएगा। हजारों लोग खड़े किए मैंने गाँव में, समय आने तो पता चलेगा। इस जिल्लत में मैं रह नहीं सकता था, इसलिए छोड़ दिया। पार्टी कहाँ बची, पार्टी तो दो भाइयों की पार्टी हो गई। 5 साल पूरे शहर में दो ही भाइयों के फोटो लगते हैं। अब चुनाव आ गए तो मोदी जी याद आ गए, दम में तो भाइयों के फोटो लगाओ भैया, और इसलिए आप देखिए।